बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साझेदारी पढ़ रहे हैं क्लास 11th व्यवसाय अध्ययन। साझेदारी में हमने कुछ वीडियो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसमें साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारों के प्रकार। आज हम पढ़ते हैं साझेदारी संलेख, भागीता पत्र, पार्टनरशिप डीड। साझेदारों के जो समझौते होते हैं, उन समझौतों की लिखित में जो पत्र होता है वो होता है साझेदारी संलेख भागीता पत्र। भागीता पत्र यानी भाग लेना, हिस्सा लेना, शामिल होना। साझेदारी में यदि कोई साझेदार आता है तो वो साझेदारी में भाग लेता है। उसके जो नियम होते हैं वो नियम, अधिकार, कर्तव्य साझेदारी संलेख में लिखे होते हैं। ये एक तरह से लिखित और मौखिक दोनों स्थितियों में हो सकता है, लेकिन अधिकतर लिखित साझेदारी संलेख महत्वपूर्ण है। ये साझेदारी संलेख न्यायालय में सबूत के तौर पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि साझेदारों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाए, विवाद की स्थिति में साझेदारी संलेख को न्यायालय में प्रमाण स्वरूप सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आज हम पढ़ते हैं साझेदारी संलेख क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इस साझेदारी संलेख में किन किन बातों का समावेश होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसका अर्थ। साझेदारी संलेख का अर्थ क्या है, आशय क्या है? फर्म के व्यापार संबंधी समस्त शर्तें और नियमों का उल्लेख। फर्म के व्यापार संबंधी नियमों और शर्तों का वर्णन, शर्तों का उल्लेख। साझेदारी संलेख में होता है, साझेदारी संलेख में होता है। यानी इस साझेदारी संलेख में व्यापार के नियम और शर्तें होती है। ये नियम और शर्तें साझेदार को माननी पड़ती है और साझेदारी अनुबंध पर आधारित है, साझेदारी अनुबंध पर आधारित है। अनुबंध पर आधारित है। अनुबंध यानी समझौते पर आधारित है। प्रत्येक साझेदारों के मध्य आपस में अनुबंध होता है और ये अनुबंध जो है वो साझेदारी संलेख के अनुसार होता है। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और समझौते साझेदारी संलेख पर निर्भर रहते हैं। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और समझौते या अनुबंध, अनुबंध का मतलब होता है समझौता। दो साझेदारों के मध्य आपस में जो बात हुई वो अनुबंध है। समझौता साझेदारी संलेख पर निर्भर होता है, साझेदारी संलेख पर निर्भर होता है। ये एक साझेदारों का अंतर नियम है। साझेदारी जिस तरह कंपनी में हमने दो महत्वपूर्ण प्रलेख पढ़े, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, इसी तरह साझेदारी का ये अंतर नियम कहलाता है। साझेदारी का यह है अंतर नियम है, आंतरिक नियम है,
आंतरिक नियम। साझेदारी का यह अंतर नियम है। जिसने कंपनी में पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम होते हैं, वैसे ही साझेदारी का ये अंतर नियम है, आंतरिक नियम है। इस संलेख पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख पर साझेदारों के हस्ताक्षर और मुद्रांक स्टाम्प जिसको मैं छाप कहते हैं, स्टाम्प कहते हैं, सील भी कहते हैं, वो होती है मुद्रांक। मुद्रांक लगाना आवश्यक है। इस साझेदारी संलेख पर साझेदारों के हस्ताक्षर होंगे और फिर मुद्रांक यानी स्टाम्प या जिसको सील या छाप कहते हैं वो लगाना आवश्यक है। छाप या मुद्रांक लगाने से, हस्ताक्षर करने से ये पंजीयन हो जाता है। साझेदारों को फिर ये साझेदारी संलेख की बातें माननी पड़ती है। इसको न्यायालय में प्रमाण स्वरूप यानी सबूत के तौर पर प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। सबूत के तौर पर न्यायालय में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। साझेदारों के मध्य विवाद हो सकता है, किसी भी बात को लेकर विवाद हो सकता है। विवाद की स्थिति में साझेदारी संलेख के द्वारा वो विवाद सुलझाया जाता है। किसी विशेष परिस्थितियों में यदि ये विवाद न्यायालय में चला जाता है तो न्यायालय में इस साझेदारी संलेख को प्रमाण स्वरूप या सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है और इस साझेदारी संलेख के आधार पर फिर न्यायालय अपना फैसला सुनाता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी विषय वस्तु। साझेदारी संलेख के अंदर किन किन बातों का समावेश होता है, किन किन बातों को शामिल किया जाता है, वो इसकी विषय वस्तु होती है या विषय सामग्री होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है फर्म का नाम। सबसे पहला जो बिंदु आएगा वो फर्म का नाम आएगा। उसके बाद में व्यापार का क्षेत्र, और स्वरूप। ये व्यापार का स्कोप क्या हुआ है, व्यापार को कितनी दूर तक चलाएंगे, कहाँ कहाँ तक हमारा लेन देन रहेगा। व्यापार राज्य स्तर पर होगा, जिले स्तर पर होगा या अपने देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर होगा, ये इसका व्यापार का क्षेत्र कहलाता है। और व्यापार का स्वरूप यानी व्यापार किस प्रकार का होगा, किन वस्तुओं का होगा, किस तरह होगा, वो उसका स्वरूप होता है। उसके बाद में आता है फर्म की अवधि। फर्म या व्यापार जो है एक निश्चित अवधि तक रहेगा या अनिश्चित समय के लिए रहेगा। कुछ साझेदारी ऐसी होती है जो एक निश्चित समय के लिए होती है, समय बीत जाने के बाद में वो साझेदारी समाप्त हो जाती है। लेकिन कुछ साझेदारी ऐसी होती है जिसकी अवधि अनिश्चित होती है। अनिश्चित अवधि वाले जो साझेदारी या साझेदारी जो होती है वो आगे समय तक चलती रहती है। तो उसमें लिखा रहेगा कि फर्म की अवधि कितनी होगी, निश्चित अवधि 1 वर्ष की, 2 वर्ष की या अनिश्चित अवधि का होगा, वो यहाँ पर लिखा रहता है। साझेदारों की पूंजी
साझेदारों की कैपिटल, साझेदारों ने जो पूंजी लगाएंगे वो कितनी पूंजी, कौन साझेदार क्या लाएगा, कितनी लाएगा, ये सब इसकी इस बिंदु में इसका वर्णन होता है। साझेदारों की पूंजी कितनी है, कौन साझेदार कितनी पूंजी लाया, कितनी लाएगा, उसकी ख्याति कितनी है, इसके अनुसार इसका वर्णन इसमें होता है। पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को, साझेदार जो पूंजी लाते हैं, साझेदार जो पूंजी लाते हैं उस पूंजी पर उसको ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई बार कुछ साझेदारी में पूंजी पर अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है और कई साझेदारी में ब्याज नहीं दिया जाता, लेकिन अधिकतर साझेदारी में पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता। कुछ एक साझेदारी है या अधिक जो पूंजी लाएगा साझेदार उनको ब्याज मिल सकता है, लेकिन इस तरह का जो नियम है वो बहुत ही कम साझेदारी में देखने को मिलता है कि भाई पूंजी पर ब्याज क्या देना। साझेदारों ने पूंजी लगाई है उस पूंजी के अनुसार उनको लाभ मिल जाएगा, वेतन मिल जाएगा, लेकिन पूंजी पर ब्याज बहुत ही कम दिया जाता है, यानी नहीं दिया जाता। साझेदारों के द्वारा आहरण, साझेदारों द्वारा आहरण, आहरण का मतलब होता है कि व्यापार में से व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ रुपए लेना, कुछ पूंजी लेना, व्यापार में से पूंजी निकालना अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, वो होता है आहरण। साझेदारों के द्वारा आहरण, साझेदार अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितने रुपए ले सकते हैं वो इसमें वर्णन होता है। आहरण पर ब्याज, साझेदारों ने जो व्यक्तिगत आहरण या व्यक्तिगत रुपए फर्म से निकाले हैं उस पर ब्याज कितना लगेगा, ब्याज की दर यहाँ तय कर ली जाती है कि जो साझेदार अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए फर्म से रुपए लेता है उस पर उसको कितने प्रतिशत की दर से ब्याज देना है, ये जानकारी इस बिंदु नंबर 7 में होती है। लाभ हानि का अनुपात, लाभ और हानि को किस अनुपात में बांटा जाएगा, पूंजी का अनुपात रखेंगे या बराबर रखेंगे, ये वर्णन इस बिंदु में लिखा रहता है। और ये साझेदारी संलेख का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, लाभ हानि विभाजन का अनुपात। लाभ हानि का अनुपात कितना होगा, लाभ हानि को कितनी दर के अनुसार बांटा जाएगा, किस अनुपात में बांटा जाएगा। साझेदारों का वेतन, साझेदारों को वेतन कितना मिलेगा, किस साझेदार को वेतन नहीं मिलेगा या किस साझेदार को कितना वेतन मिलेगा, वो इस बिंदु में वर्णन होता है। कई बार कुछ एक साझेदारों को, जो निष्क्रिय साझेदार होते हैं उनको वेतन नहीं मिलता, जो सक्रिय साझेदार होते हैं उनको वेतन मिलता है, उस सक्रिय साझेदार को वेतन कितना दिया जाएगा, ये वेतन लाभ हानि जो मिलेगा उसके अतिरिक्त होता है। लाभ हानि में और वेतन को अलग अलग मद के रूप में देखा जाता है। साझेदारों में कार्य विभाजन, साझेदारों में कार्य को बांटना, कौन सा साझेदार किस प्रकार का काम करेगा, कौन सा साझेदार लेखा पुस्तकें तैयार करेगा, कौन से साझेदार बाहरी कार्य करेगा, कौन से साझेदार भीतरी काम कौन कौन से करेंगे, कार्यों का बंटवारा कर देना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद आता है ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज। कई बार क्या होते हैं, साझेदार फर्म में ऋण देते हैं, ये ऋण पूंजी के अतिरिक्त होता है, ऋण और पूंजी को अलग देखा जाता है। कई साझेदार ऋण देते हैं फर्म में, कर्जा देते हैं, उधारी देते हैं, उस पर ब्याज कितना दिया जाएगा,
वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण बात होती है। वो साधारी संलेख में पहले वर्णन या बिंदु के आधार पर दर तय कर ली जाती है कि ब्याज की दर ऋण पर कितनी होगी। ख्याति का मूल्यांकन, साझेदारों की कितनी ख्याति है, कितनी गुडविल है, यदि कोई साझेदार छोड़कर जा रहा है तो उसकी ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण, अगला बिंदु आता है लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण। लेखा पुस्तकों की जांच करना, लेखा पुस्तकों की ऑडिट करना कि साझेदारी में जो अकाउंट तैयार किए हैं उन अकाउंट की जांच हम बाहर चार्टेड अकाउंटेंट से कराएंगे या साझेदार ही कोई दूसरा साझेदार जो अकाउंट की जानकारी रखता है उससे अंकेक्षण करवाएंगे। अंकेक्षण का मतलब ऑडिट करवाना, लेखा पुस्तकों की जांच करना। लेखा पुस्तकों में जो लेन देन के जो सौदे लिखे गए हैं वो सौदे सही है या गलत लिखे गए हैं, उनकी जो अमाउंट है उसकी जांच करना, वो सब लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण में आता है। फर्म का समापन, साधारण संलेख में लिखा रहता है कि फर्म का समापन किस प्रकार किया जाएगा। समापन के बाद में जो व्यापार की जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को किस अनुपात में बांटा जाएगा। समापन के समय साझेदारी में जो ऋण बकाया है उन ऋणों का भुगतान करना, ये सब जानकारी इस बिंदु नंबर 14 में फर्म का समापन में लिखी रहती है। बिंदु नंबर 15, साझेदारी संलेख का बिंदु नंबर 15, नए साझेदारों का प्रवेश। नए साझेदारों का प्रवेश, जब कोई नया साझेदार आएगा उसको कितनी पूंजी लानी है, उसको प्रवेश देना है या नहीं देना है, किस प्रकार देना है, कितनी पूंजी लानी है, वो सभी नियम इस नए साझेदारों के प्रवेश पर लिखे रहते हैं। बिंदु नंबर 16, साझेदारों के अधिकार, साझेदारों के अधिकार, साझेदारों के अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, ये सब इसमें की बात इस बिंदु नंबर 6 में लिखा रहता है। अधिकार और कर्तव्य का वर्णन, साझेदारों का निर्वत होना, निर्वृत्त होना, सेवानिवृत्त होना, रिटायर्ड होना। जब साझेदार सेवानिवृत्त होगा, अपना जीवन के बहुत सारे वर्ष साझेदारी में बिता दिए, अब उसकी कार्य क्षमता थोड़ी कम हो गई है, इसलिए उस साझेदार की सेवानिवृत्ति करना, सेवानिवृत्ति पर उसको कितना परिलाभ दिया जाएगा, क्या क्या उसको लाभ दिया जाएगा, वो सब बातों का वर्णन इसमें होता है। और अंतिम बिंदु आता है मध्यस्थ वाक्य, मध्यस्थ वाक्य, मध्यस्थ, मध्यस्थ की भूमिका निभाना, दो वक्तों के बीच में तीसरा व्यक्ति उसके विवाद को सुलझाता है। दो व्यक्तियों में जब विवाद होता है तो तीसरा जो व्यक्ति होता है वो मध्यस्थ बनता है और उस विवाद को सुलझाता है। यदि साझेदारों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद होगा, उस विवाद के लिए तीसरे व्यक्ति जो मध्यस्थ होगा उसकी नियुक्ति किस प्रकार होगी, मध्यस्थ के साथ
उनका है विवादों का सुलझाना करना, विवादों को निपटाना, विवाद को समाप्त करना। तो ये बिंदु जितने भी है वो साधारण संलेख की विशेष सामग्री है। साधारण संलेख में ये बिंदु को वर्णन होता है। इन सभी को आप नोटबुक में नोट करना। अब मान लीजिए साझेदारी संलेख बनाया हुआ नहीं है, साझेदारों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, साझेदारी संलेख नहीं बनाया, उसके अभाव में क्या क्या नियम लागू होते हैं वो लिखता हूँ। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली शर्तें, साझेदारी संलेख के अभाव में क्या क्या शर्तें लागू होगी। पहला है साझेदारों में लाभ हानि बराबर बांटा जाएगा। साझेदारों में लाभ हानि बराबर बांटा जाएगा। मान लीजिए साझेदारी संलेख बनाया हुआ नहीं है, ऐसी स्थिति में कौन कौन सी बातें लागू होती है। तो पहला है साझेदारों में लाभ हानि बराबर बांटा जाएगा। बराबर बराबर जितना लाभ मिलता है उसी के अनुपात में उसको हानि भी वहन करनी पड़ेगी। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। वैसे पूंजी पर ब्याज बहुत मिलता ही नहीं, ऋण पर ब्याज जरूर मिल जाता है, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता। आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। साझेदार अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए फर्म से कुछ रुपए लेते हैं, उस पर ब्याज वसूल नहीं होगा। साझेदारी संलेख नहीं है, तो यदि साझेदारी संलेख लिखा हुआ है तो ब्याज जितनी दर तय की उसके अनुसार वसूल किया जाएगा। ऋण देने पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। मान लीजिए किसी साझेदार ने ऋण दिया है, ऐसी स्थिति में उसको 6% वार्षिक की दर से ब्याज मिलेगा। व्यवसाय में सक्रिय भाग लेने का अधिकार होगा। व्यवसाय में सक्रिय भाग लेने का अधिकार होगा। साझेदार सक्रिय रूप से भाग ले सकता है यदि साझेदारी संलेख नहीं है। हम बिंदु क्या पढ़ रहे हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी संलेख बनाया हुआ नहीं है तो कौन कौन सी शर्तें लागू होती है वो यहाँ पर बिंदुओं का वर्णन है। लेखा पुस्तकों को देखने और प्रतिलिपि लेने का अधिकार, साझेदार लेखा पुस्तकों को देख सकता है,
लेखा पुस्तकों की प्रतिलिपियां ले सकता है। तो ये कुछ एक ऐसी बातें हैं जिनका सरदारी संलेख के अभाव में, सरदारी संलेख के अभाव में ये बातें लागू होती है। एक अंतिम वो जो बिंदु है, साझेदारों को वेतन कमीशन और बोनस दे नहीं होगा। साझेदारों को वेतन नहीं मिलेगा, कमीशन और बोनस भी नहीं मिलेगा। साझेदारों को मिलेगा तो केवल लाभ हानि लाभ मिलेगा। यदि हानि है तो हानि को वहन करना है, लाभ है तो लाभ मिलेगा। बाकी साझेदारों को वेतन कमीशन और बोनस दे नहीं होता है। तो बच्चों आप घर पर सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन वो बिंदुओं को अपनी नोटबुक में नोट करें। धन्यवाद।